फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स की दुनिया में कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान पेट पकड़कर हंसता जाता है, या फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेल के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है कि आपकी शेम शेम भी हो जाती है। ऐसे टाइम में आपका चेहरा देखने लायक होता है, क्योंकि वो टमाटर की तरह शर्म से लाल हो चुका होता है। चलिए आज आपको ऐसे ही कुछ शेम मोमेंट्स यानी शर्मनाक पल दिखाते हैं, जिन्हें देखते हुए आपको भी ऐसा कुछ याद आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने शरारती दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, यकीन मानिए वो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। नंबर एक, फ्रेंड्स, ये मजेदार मोमेंट उस वक्त हुआ जब MMA की एक फाइट हो रही थी। इसमें जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे जो होर्डिंग नाम का व्यक्ति को लग रहा था कि उसका कंपटीटर जोनाथन उसका सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बेफिक्र होकर उसके सामने बिंदास डांस करते हुए उसे चिढ़ाने लगा। तभी जोनाथन ने एक लात मारकर उसका सारा डांस पना निकाल दिया, साथ ही बोनस में उसे कई मुक्के भी दे डाले। निकल गई ना सारी हेकड़ी। नंबर दो, फ्रेंड्स, शेम मोमेंट का शिकार सिर्फ स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेल रहे व्यक्ति ही नहीं होते, बल्कि कई बार मैच देखने वाले लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। जैसे छपाक से आकर बॉल का मुंह पे आ जाना। आपको न्यूयॉर्क की एक मजेदार घटना बताते हैं। जब स्पोर्ट्स ग्राउंड में बेसबॉल का मैच चल रहा था, तब मैच देख रहा एक हट्टा कट्टा व्यक्ति पानी की एक बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा था, जो काफी टाइट था और खुलने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि मैच को कवर कर रहा कैमरा भी उसकी इस जोर आजमाइश को कैच कर रहा था। इस हट्टे कट्टे व्यक्ति से ढक्कन नहीं खुला, मतलब उसकी बॉडी बिल्डिंग का उसे कोई फायदा नहीं हुआ। ये उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। नंबर तीन, फ्रेंड्स, कभी कभी मैच खेलते में ऐसे ऐसे लफड़े हो जाते हैं कि खेलने वाला और देखने वाला दोनों हैरान रह जाए। अब इसे देखिए, ये बंदा बास्केटबॉल खेलते हुए बॉल के साथ साथ खुद ही चला गया और बास्केट हुक्स के साथ अटक गया। इसके बाद ये बॉल को बास्केट में डालने के लिए इतना क्रेजी हुआ कि बॉल के साथ ये बास्केट में आलू की तरह गिर गया। गजब यार। नंबर चार, फ्रेंड्स, एक फनी मोमेंट उस समय हुआ जब 2016 में एक साइक्लो क्रॉस वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस साइकिल रेस में ट्रोपोलिक नाम का एक खिलाड़ी अपनी साइकिल को तेजी से दौड़ाते हुए सबको पीछे छोड़ आगे निकल चुका था। अपने इस जीत पे वो इस कदर खुश था कि साइकिल का हैंडल छोड़कर अपने चैंपियन होने का दावा कर रहा था और तरह तरह से अपनी जीत को शो कर रहा था। मगर आपको बता दें, ये उसकी जीत नहीं बल्कि बेवकूफी थी, क्योंकि वो भूल चुका था कि अभी साइकिल का एक और लैंप राउंड बाकी है। आप खुद सोच सकते हैं कि इस बेवकूफी की उसे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। नंबर पांच, बास्केटबॉल के ही एक दूसरे मैच को कैम्बेल वॉकर नाम के खिलाड़ी ने बास्केट की तरफ बास्केटबॉल थ्रो की। उसका निशाना भी अचूक था। बॉल को बास्केट में फेंक कर उसने सोचा अब तो नो डाउट बॉल गई बास्केट में, और वो नाचने लगा। मगर ये क्या, बॉल बास्केट में ना जाकर वापस आ गई। ये अपना ही मजाक उड़वा लेने जैसा पल था, जिस तरह उसे भी हैरान होना पड़ा। नंबर छह, अब फुटबॉल लवर्स को एक और मजेदार घटना दिखाते हैं, जिसमें एक फुटबॉल क्लब द्वारा आयोजित एक मैच हो रहा था। इसमें एक खिलाड़ी ने जबरदस्त तरीके से गोल किया, मगर तेज किक के कारण फुटबॉल पोल से टकरा गई और गोल वेस्ट हो गया। ये देख गोलकीपर मारे खुशी से उछलने लगा, जबकि फुटबॉल हवा का साथ पाकर वापस गोल में आ गई। तब गोलकीपर का मुंह देखने वाला था। ठीक इसी तरह दोस्तों, कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट टीवी की दुनिया में हुए। चलिए देखते हैं ये शर्मसार कर देने वाला मोमेंट। नंबर सात, ये एम्बैरेसिंग मोमेंट उस वक्त हुआ जब बर्फ से कलाकृति तैयार करने वाले कलाकार रोलैंड का इंटरव्यू एक टीवी पत्रकार डेविड नजार ले रहे थे। रोनाल्डो सड़क पे लाइव रहकर बर्फ की कलाकृति तैयार कर रहे थे। इस दौरान टीवी रिपोर्टर डेविड उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तभी वो बात होगी जो नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू लेते वक्त डेविड बर्फ की कलाकृति के कुछ ज्यादा ही नजदीक चले गए और बर्फ से बनी उस कलाकृति को टच करते हुए बात करने लगे। अंजाम ये कि रोनाल्डो की घंटों की मेहनत 2 सेकंड में धराशायी होगी। और वो रिपोर्टर पे बुरी तरह झल्लाते हुए वहां से भाग निकले। रिपोर्टर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नंबर आठ, फ्रेंड्स, कई बार सिर्फ खेल का मैदान या फिर बड़े बोल ही शर्मिंदगी का कारण नहीं बनते। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जब हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, US वुमेन साइकिलिंग टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बात सन 2012 की है, जब US की महिला साइकिलिंग टीम ने अपना जबरदस्त खेल प्रदर्शन किया, मगर खेल से ज्यादा वो अपने ड्रेस की वजह से ज्यादा चर्चा में आ गई। ये ड्रेस सचमुच शर्मिंदा कर देने वाली थी। मेडल हासिल करने से लेकर टीवी कैमरा का सामना करने तक सभी महिला खिलाड़ी बेहद शर्मिंदा रही। हालांकि इस एम्बैरेसिंग मोमेंट के बाद इस तरह की ड्रेस को दोबारा नहीं लिया गया।
नंबर 9, फ्रैंक यूनिफॉर्म को लेकर बहुत क्रेजी थे, इसलिए इसे पहनते ही उन्हें जबरदस्त शर्मिंदगी का एहसास हुआ, मगर टीम मेंबर्स अपने अधिकारियों के सामने कुछ भी बोलने समझने में झिझक रही थी। टीम का कहना था कि यूनिफॉर्म में न्यूड कलर के इस्तेमाल की समस्या तब और शर्मनाक हो जाती है जब रोशनी का एंगल बदलता है और ये बिल्कुल शरीर के अंगों की तरह दिखने लगता है। सोशल नेटवर्क पर बेहद चर्चित हुई इस यूनिफॉर्म को कई लोगों ने ड्रेस डिजास्टर बताकर डिजाइनर का अच्छा खासा मजाक भी उड़ाया। फ्रेंड्स, क्या कहना चाहते हैं आप इस वीडियो पर? क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ है जो बेहद शर्मसार कर देने वाला हो? क्या आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? तो कीजिए कॉमेंट्स और हमें दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।